नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी और मैं बहुत ही बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी भर्ती लेकर आया हूं, जो कि आपके यहां पर निकल कर आ रही है। जेल वार्डन की पोस्ट पर, आपके कांस्टेबल की पोस्ट पर, आपके यहां पर फायरमैन की पोस्ट पर। जी हां दोस्तों, आपके यहां पर ये तीन भर्तियां हैं, जेल वार्डन, फायरमैन और आपके यहां पर कांस्टेबल। तो ये तीन भर्तियों के बाद की वैकेंसी है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपके यहाँ पर जो भर्ती है इसके अंदर आप अप्लाई करने के लिए आपके जो शैक्षिक योग्यता आप क्या चाहिए, यानी कि आपके पास क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो क्या मानी गई है और इसके साथ साथ आप इसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो और दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपके यहाँ पर कितनी फीस लगने वाली है और इसके साथ साथ इसमें अप्लाई करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि आपकी जो चयन प्रक्रिया वो क्या रहने वाली है, यानी कि आपका इसके अंदर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, किस बेस पे होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इस सब के बारे में संपूर्ण रूप से आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आती रहती हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती रहती है उनको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली जो जॉब्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पर मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं हम आपके यहाँ पर आज की भर्ती की, तो वह है आपके यहाँ पर TNUSRB जेल वार्डन कांस्टेबल फायरमैन भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर जेल वार्डन कांस्टेबल और फायरमैन की भर्ती है और किसके अंदर, देखिए TNUSRB का मतलब है तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। आपके यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके द्वारा इन तीन पोस्ट पर भर्ती निकाली गई, यानी कि आपकी आज की जो भर्ती है यह है आपकी तमिलनाडु के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर तीन पोस्ट है, इनके ऊपर भर्ती है। और बात करें आपके यहाँ पर टोटल पोस्ट, देखिए आपके यहाँ पर 3,359 पोस्ट के ऊपर, यानी कि आपके 3,359 पोस्ट के ऊपर ये भर्ती है। और बात करें इसके अंदर शैक्षिक योग्यता, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपका कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वो है आपके यहाँ पर सिर्फ 10th पास। दोस्तों अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो 10th है वो किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हुई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बात करें इसके अंदर एज लिमिट की, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो आयु है वो कितनी मांगी गई है, तो वो आप इस प्रकार से देखिए आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 26 साल के बीच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर आयु में छूट का प्रावधान भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो देखिए तो बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इसके अंदर आपकी जो अप्लाई करना है, आपका जो आवेदन है वो आपके यहाँ पर अभी शुरू हुआ नहीं है, वो आपका 18 अगस्त शुरू होगा। 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो यानी कि आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर काफी टाइम दिया जा रहा है। तो 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। और इसके साथ साथ इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे, तो देखिए तो बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर फीस की, तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये आवेदन शुल्क वो है आपका यहाँ पर 250 रुपए। या दोस्तों यहाँ पे आपके हर कैटेगरी के 250 रुपए लगने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसमें आपका सिलेक्शन है वो किस बेस पे होगा, आपका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो तीन बेस पे होगा, पहले आपका होगा रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका होगा मेन रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होगा। तो इन तीनों के बेस पे आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और अगर आप तीनों को, आप इन तीनों के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंडर आपको जेल वार्डन कांस्टेबल और फायरमैन की पोस्ट पर भर्ती कर लिया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके यहाँ पर इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो अप्लाई लिंक है, वो तीनों के तीनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको
इस डिटेल्स के अलावा कुछ और भी इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके इसके बारे में और अधिक जानकारी जान सकते हो, पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। और दोस्तों इसके साथ साथ आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो कृपया आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक करें, लेकिन आप अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया, अपनी कोई ना कोई राय, अपना कोई ना कोई ओपिनियन इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के रूप में लिखकर जरूर जाएं, जिससे मुझे पता लग सके आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के मेम्बर के साथ, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो जानकार हैं, सबके साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी इस भर्ती के बारे में पता चल सके। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।